गर्मी की वजह से इतनी हालत खराब हो रखी है ना, बहुत ज्यादा भयंकर। अभी जाता हूँ मैं जूते वूते खोल के, जुकाम हो गया यार मेरे को, बुद्धा जी के दर्शन हो गए। अभी मैं जाता हूँ दूसरी जगह, जुकाम ने हालत खराब कर दी, शांति से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, इतना भयंकर हो रखा है कोल्ड में। हाँ, और गर्मी पड़ रही है ऊपर से बहुत ज्यादा। अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से दूसरी जगह पे। वाह क्या शानदार गाड़ी है, कौन सी कंपनी की है, मस्त है ना, लग रहा आर्मी की है कोई। ओ गर्मी गर्मी गर्मी, फरा पिंक लॉ पिंक लॉ। जगह बहुत शानदार है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी है भाई, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। लोग तो नंगे घूम रहे हैं आते हैं, और जिसमें तो जीन्स पहन के आओ, जीन्स में तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को। ओहो बारिश हो जाए ना एक बार, मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही प्यारा गार्डन है इधर, तो अभी मैं टुक टुक में जा रहा हूँ वो मंदिर के लिए। 5 वाट बोला है इन्होंने, पास में है 2 किलोमीटर, तो उसके 5 वाट लेंगे। ट्रैफिक है यार बहुत ज़्यादा इधर, बहुत भयंकर ट्रैफिक है। ट्रैफिक आता है यार, 2 मिनट चले नहीं ट्रैफिक, 1-30 सेकंड चला बस, फिर से ट्रैफिक, 30 सेकंड चला फिर से ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। हाँ जी, तो अपन पहुंच गए हैं नेशनल म्यूजियम बैंकॉक, तो इसके अंदर अपन जाएंगे 8:30 बजे से शाम की 4 बजे तक, ये 4 बजे बंद हो जाता है, मंडे टू थर्सडे चालू रहता है, बाकी टाइम बंद रहता है ये, और सुबह 8:30 बजे से 4 बजे तक ही रहता है, उसके बाद वो क्लोज कर देते हैं। तो उस म्यूजियम में अपन जाएंगे, 4 बजे बंद हो जाएगा, तो पास में ही है, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, यहाँ की गर्मी का मजे ले। बाइक भी है, टैक्सी भी है, टुक टुक भी है, लेकिन वो सब मेरे को नहीं जाना है, मैं पैदल जाने की सोच रहा हूँ, और पैदल अपन आधा तो आ ही गए। हाँ जी, तो अपन आ गए हैं नेशनल म्यूजियम बैंकॉक, 28 टिकट काउंटर भी बना हुआ है इधर का, नेशनल म्यूजियम बैंकॉक, वेनसडे टू संडे 8:30-4 PM, मंडे टू थर्सडे, अलग अलग टाइमिंग है। अभी जाता हूँ टिकट काउंटर पे, क्या टिकट प्राइस वगैरह है। इधर भी टेंपल बना हुआ है, एंड ये बना हुआ पूरा नेशनल म्यूजियम, पूरा तात्विक सामान होगा इनके पास में, तोहफे तो रखी हुई है बाहर। नो फ्लैश ऑन द वीडियो, नो फ्लैश, वीडियोग्राफी नहीं है शायद, देखता हूँ, अगर वीडियोग्राफी नहीं होगी तो जाने से क्या मतलब है क्या अंदर रहने का, नहीं फिर भी देख के आता हूँ क्या है, वो बता तो सकता हूँ ना आप लोगों को। ओ कैट। हाँ जी, तो मैं म्यूजियम देख के आ, म्यूजियम का चार्जेस जो है, और यहाँ के जो लोकल आदमी है उनके लिए रहे 30 बाट, और फॉरेनर्स के लिए है 100 बाट, और अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं कैमरा बंद ही रखा था, फोटो थोड़ा बहुत खींचा है कैमरे से छुपा के। आ गया हूँ अभी बाहर, इस मंदिर को घूमता हूँ, फिर दूसरी जगह जाते हैं। देखो ये एलिफेंट बना रखा है ना, कटिंग इतनी शानदार हो रही है ना, यहाँ पेड़ पौधों की जो डेकोरेशन है बहुत शानदार करता है, सच्ची वंडरफुल, एंड गर्मी पड़ रही है बहुत शानदार वाली। ये शायद हाथी की पूछ है, ये हाथी बना रखा ना, हाँ हाथी है ये ये हाथी का मुँह। पाँच बार 10 बार 22 साइकिल्स, तो यहाँ से एक नाव जाएगी, नाव से ये नदी है ना, नदी को उस किनारे जाएंगे, उस किनारे पे एक मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, लास्ट टाइम भी मैं गया था, तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं वो वाला मंदिर। यह 5 रुपये 5 बाट की है एक फेरी, 5 रुपये जाने के, 5 रुपये आने के, जस्ट सामने है नदी है बीच में, लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए आपको बोट की सहायता से जाना ही पड़ेगा, एंट्री इधर से। ठीक है,
ये वाला ये मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे हम। ये बस यहाँ से वहाँ जाना है और कुछ नहीं, और उसके लिए बोर्ड की सहायता लेनी पड़ेगी हमको। ये सब वहीं जाएंगे, वो काफ़ी प्यारा मंदिर है एंड बहुत अच्छा भी है। और ये मैंने मैंगो लिया, अभी मैंगो खाऊंगा, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, दूसरा कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को खाने में, तो मैंगो ही खाऊंगा मैं।